टाटा वाजेलांची बँड हा। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाए। बंदूक वार्तनी नीचे कर। ए सूर्या, बिहारी का पावर नहीं जाने ले। उड़ के जान लगी लाओ बीमारी बानी, पानी के तेरे खून बहेला। और पिए के पहले सतुआ सतुआ मिलाइला, छील छील के छोटा करे वाला चाकू है। अब सीधे से तो नीचे बैठ जाओ। चल बैठ बॉयस। सूर्या के बैठने के स्टाइल देख अच्छे अच्छे झटका खाकर खड़े हो जाते हैं। यही है असली हिंदुस्तानी पावर, समझा क्या? ए, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, सीधे पॉइंट पे आता हूं। ये जगह तू जल्दी खाली कर दे। जबरदस्ती कब्जा करके तमाम बिहारियों को क्यों बदनाम करता है तू? मुझे अपना क्या पावर दिखाएगा? मैं तुझे इंडियन पावर दिखाता हूं, हैंड टू हैंड। क्या कहता है, दम है तो? रिलैक्स बॉयज। Finish. Hey, ये है सूर्या का पावर, हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों का मैं यही हाल करता हूं। hey! सब लफड़ेबाजों को वापस अपने अपने घर भेज दो और चाचा को हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोग सठिया गए हैं क्या? कल भाई का बर्थडे है पता है ना, फिर भी उनको बाहर कौन सा मैटर सल्टाने के लिए भेज दिया? आप उनके लिए शॉपिंग क्या करने चला गया, उनको भी छूट मिल गई। आप लोग भी ना कुछ ज्यादा ही करने लग गए।
सूर्य भाई ने आप लोगों को सर पे चढ़ा रखा है, सबको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा काम करो, आप उनके लिए स्टिक लेकर आओ। कहा ना एक स्टिक लेकर आओ। आप लोग खड़े क्यों हो गया? आपको नहीं मारूंगा, आप सिर्फ स्टिक लेकर आओ। ये तो सूर्या भाई है जो बेलगाम हो गए हैं, उनको अपन जैसा कंट्रोलर चाहिए बस। सूर्या से बातें करते वक्त मारे घबराहट के तू शाहरुख बन जाता है और तू उसे कंट्रोल करेगा। हेलो, अपन आप लोगों के सामने हकलाता है, सूर्या भाई से कौन डरता है? उनको तो अपन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल नहीं भाई, कंट्री, देशभक्ति की बातें कर रहे थे भाई। लो लकड़ी जगह थी ना। अरे हट, आपने कब बोला था? किसी को कंट्रोल करने वाले थे ना। अब की जुबान कंट्रोल में नहीं है, चुप रहिए। अरे तू तो सूर्य को कंट्रोल में रखने वाला था ना। सूर्य भाई को अपन क्या कंट्रोल करेगा, वही अपन सबको कंट्रोल में। लो अब तुम इसे कंट्रोल करो। उसमें बचपना है, तुम बाहर जाओ, बाहर सब बस्ती वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ जाओ। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। राम भैया आप सब एक साथ आए? भाई आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए घर बनवाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया, इतना सब कुछ किया हम लोगों के लिए, हमें अपने जैसा ही समझा आपने। भाई कल आपका जन्मदिन है, जानते हैं कि आप अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाते, बस एक बार अपना जन्मदिन हम लोगों को मनाने दीजिए ना भाई, कल हमारी बस्ती में आप जरूर आइएगा। क्या सोच रहे हैं सूर्या भाई, एक बार आपको हमारी बस्ती में आना ही होगा। अरे थामा, जबरदस्ती है क्या है? सूर्या भाई को राजी भी तो होना चाहिए, आप पटाखे लेके आएगा है ना भाई? पता नहीं। ठीक है मैं आऊँ। सूर्या, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, ये सब क्या है? माथुर जी, कॉलेज में लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। का बेटा है, एंजॉय तो करेगा ही ना, छोटी सी बात पे इतना मारा। हम दोनों की 10 सालों से बिजनेस में पार्टनरशिप है, समझे? इसे नहीं पता क्या? जाधव जी भाई, तूने मारा क्या उसे? जी भाई मारा। बस मार कर छोड़ दिया तूने, जान से क्यों नहीं मारा? पागल हो गए हो क्या सूर्या? संग्राम, मुझे अपने बिजनेस से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं। जाधव जी भाई, ये बेशक मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका बेटा कुछ भी गलत करे। माथुर जी, इनका अकाउंट सेटल करके इन्हें अलग कर दो। ए सूर्या, आवाज नीचे करके बात करो। सूर्या भाई ने अगर एक हाथ उठाया ना तो तुम जमीन में धस जाओगे, तुम्हारा बेटा तो कोमा में गया लेकिन तुम सीधे ऊपर जाओगे, समझे? चल संग्राम, अबे ये आंख मत दिखा, चल निक। चल।